वो सेमीफाइनल किया जिसमें कोई फाइट ना हो. वेल दैट्स एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग. अभी इस वक्त वर्ल्ड कप 2023 पहले तो स्पेशल शो में आपको वेलकम करेंगे और हम लोग मैच देख रहे हैं आज सेकंड सेमीफाइनल साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया. साउथ अफ्रीका ने बहुत बुरी नोट से शुरू किया, उन्होंने टॉस जीती, डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट, ओवरकास्ट कंडीशंस, बट ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स रहे ऑन टॉप. अभी चल रही है उनकी रोड टू रिकवरी. सो 174/7 इस वक्त का स्कोर है एंड जबरदस्त है इस वक्त डेविड मिलर का जो रोल है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको याद होगा ऐसी सिचुएशन में वो आए थे नेदरलैंड्स के खिलाफ भी एंड उन्हें रिकवरी किया था साउथ अफ्रीकन इनिंग्स. तो कैन ही डू इट और नॉट, या 200 से ऊपर स्कोर जाएगा कि नहीं, ये हमें अब मालूम करना है. जो स्कोर प्रिडिक्टर है वो तो कह रहे हैं कि 200 टॉप जा सकते हैं. सो लेट्स सी, सब नजरें हैं डेविड मिलर पे एंड कोचसिया पे, वो एक्चुअली कैसी सिचुएशन पे आए थे नेदरलैंड्स के खिलाफ. सो वो है 19/39 बॉल्स एंड डेविड मिलर ने 85 रन बना लिए फ्रॉम 106. ये इस वक्त का स्कोर है एंड लेट्स सी, क्योंकि इसी पिच पे, इट्स अ ट्रिकी पिच, इस पर ऑस्ट्रेलिया ने भी अभी आके बैटिंग करनी है. पैट कमिंस अब क्या लेकर आ सकते हैं इस मैच पे, क्या थोड़ा सा प्रेशर शिफ्ट हो गया ऑस्ट्रेलिया की तरफ, ये सब सवाल हमारे पास है एंड हम अपने एक्सपर्ट से मालूम करेंगे. मेरे साथ है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदराबाद, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सिकू, एंड मेरे साथ हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद याया हुसैनी, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ हैं एंड फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रजाक. सिकू फर्स्ट क्लास कम टू यू, सिचुएशन इंटरेस्टिंग. आई मीन जी यहाँ पे साउथ अफ्रीका के कप्तान बहुत बड़ी गलती कर गए. ओवरकास्ट वेदर, मैं हमेशा कहता हूँ ये डर हो कि बारिश आ जाएगी और डीएल मेथड आ जाएगा बीच के अंदर, तो पहले हम कभी बैटिंग ना करो. पाकिस्तान ने जैसे किया था न्यूजीलैंड के खिलाफ डीएल मेथड में, उन्होंने 400 रन चेस कर दिए 20 ओवर में, जो भी तरीका से कर दिए तो वो करें. तो ये मैं बहुत ही हैरान हूँ कि इतनी इनके पास डेटा होता है, ये लोग इतने एडवांस होते हैं, इनके पास एनालिस्ट होता है, उसके बावजूद भी इतना गलत फैसला कर गए. और शुरू के अंदर क्लाउडी था, हैवी वेदर था, गेंद बड़ा अच्छा स्विंग हो रहा था और शुरू के अंदर वो रन नहीं कर सके और जैसे कि उनको करने चाहिए थे, और जैसे उनके स्कोरिंग रेट जो है ना, बाद में जब बारिश के बाद जो है वो सिचुएशन बदली. इन्होंने 10 ओवर में सिर्फ 18 रन किए थे और दो इनकी विकेटें गिर चुकी थी 10 ओवर में 18. और पिछला आप अगर सेमीफाइनल देखें तो इंडिया ने 84-86 किए थे फॉर 1 in 10 ओवर्स. कितना फ़र्क है, कहाँ 18 रन और कहाँ वो, तो ये एक बड़ा फ़र्क था. यहाँ आकर जो है ना वो साउथ अफ्रीका फंसा. शुरू के जो स्पेल था ऑस्ट्रेलियंस का वो बहुत ज़बरदस्त था एंड ड्यू टू द हैवी वेदर. एब्सोल्युटली. अब मिलर के साथ ये प्रॉब्लम है कि क्या उनके साथ कोई ठहर पाएगा या नहीं, क्योंकि वो तो है इन मूड में रजाक, बट अभी उनके साथ महाराज है. आपको क्या लग रहा है अभी इस वक्त मैच की सिचुएशन? देखिए मैच की सिचुएशन तो वही है जो हमेशा साउथ अफ्रीका करती आई है, बड़े मैचों में इनका ऐसे ही क्लैप्स होता है. और मिलर जो है ना बिल्कुल डिफरेंट प्लेयर हैं, क्योंकि वो पूरे वर्ल्ड में T20 खेलते हैं, प्रेशर को हैंडल करते हैं, उनके पास सारी शॉट्स हैं. अगर मिलर आउट हो जाते तो मैं समझता हूँ ये इन्होंने, और बस यही कि पिच में थोड़ा सा उस तरह की पिच नजर नहीं आई. पिच में टर्म भी है, अगर यहाँ पे कोई प्रॉपर स्पिनर नहीं है, अगर सईद अजमल जैसा स्पिनर होता तो यहाँ पे डेफिनेटली 5 या 6 आउट कर देता. हालांकि ट्रेवल हेड ने जो बॉलिंग की है थोड़ी सी लोब में बोल दिया तो बॉल को टर्न मिला है और मुश्किल हो रहा था. जिस तरह कार्लसन जो खेल रहे थे तो उनको थोड़ा सा इजी वे उनको थोड़ा रिलैक्स लिया, बट उन्होंने अच्छी ओवर कर दिया अपने. और ये सारा क्रेडिट मैं समझता हूँ कैप्टनसी पे जाता है, और मुझे लगता है कि इनका जो कप्तान है वो वेल कनेक्टेड है विद मैनेजमेंट, कोच स्टाफ से बड़ा प्लान करके आते हैं कैसा उसको एकदम से लेके आए. हालांकि जैम्पा ऑफल नजर आ रहे थे, मैक्सवेल विकेट नहीं ले रहे थे, हालांकि उनको जरूरत थी उस वक्त. और देखें ये एक कप्तानी का बड़ा अमल होता है, कैसे उनको सडनली लेके आए तो उन्होंने ये 2 विकेट ले दी है तो वहां से मैच टर्न. नहीं बट मैक्सल अच्छा स्पेल था वैसे, 35 for none, बट ही वॉज वेरी गुड, आई वॉज वॉचिंग हिम. बट अब आपसे बात करते हैं याया, आई मीन मैं भी ये सोच रही थी ये पिच ट्रिकी है, इज इट फॉर मतलब ये पेसर्स के लिए, इज इट फॉर स्पिनर्स, क्योंकि अब देखिए ऑस्ट्रेलिया ने भी आके बैट करना है. आई मीन साउथ अफ्रीका पास महाराज है, शमसी है, सो इज विल दे बी समथिंग फॉर देम एज वेल लेटर ऑन? इंटरेस्टिंग होगा. फातिमा, अब तक ईडन गार्डन कोलकाता में जो वर्ल्ड कप के मुकाबले हुए हैं वहाँ पर पहले बैटिंग करने वाली टीम माँ सिवाय भारत के स्ट्रगल करती रही है. और अगर आपको याद हो यहाँ पर जो मैच हुआ था जिसका हमारे फर्स्ट शो में सिकंदर बख्त ने
खुलासा किया था भारत बनाम जनूबी अफ्रीका, उस मैच को अगर आप देखें तो आते ही अटैक किया था भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने। और शायद एक चीज़ जो मिस की है बाकी टीमों ने वो ये है कि आपने पहले 10 ओवर में अटैक करना है, और आज जनूबी अफ्रीका ने वो अटैक नहीं किया और ऑस्ट्रेलिया के बॉलर जो हैं वो चलते चले गए और उनके लिए मसाइल पैदा करते रहे। आपके सामने मिसाल इस वक्त डेविड मिलर क्रीज पर मौजूद हैं, वो अपने नेचुरल स्टाइल में बैटिंग कर रहे हैं, एग्रेसिव अंदाज में बैटिंग कर रहे हैं और जनूबी अफ्रीका के स्कोर को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बट जो शुरू में आपका इंट्रो था कि वो सेमीफाइनल ही क्या जिसमें सामने वाली टीम मुकाबला ना करे, लेकिन जनूबी अफ्रीका की टीम ने मुकाबला किया है। अब बॉलिंग अटैक उनका इतना बुरा नहीं है, बट इस टूर्नामेंट में अगर ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप को हम देखें तो एक दो इंडिविजुअल ब्रिलियंस के ऊपर उन्होंने इन्हिसार किया है, और जिस तरह ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग लाइनअप में डेप्थ मौजूद है, पैट कमिंस कप्तान है, मिचेल स्टार्क हैं या फिर जोश हेजलवुड हैं, उस रिदम में वो दिखाई दिए नहीं हैं। तो अब देखना ये होगा कि जनूबी अफ्रीका की टीम इस वक्त तो मुश्किल सूरत हाल से दो चार है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, और अब तक तो फेवरेट ऑस्ट्रेलिया ही है। बट जिस तरह आप बोल रहे हैं कि इस पिच के ऊपर बैटिंग करना आसान नहीं है, 250 और अंडर 275 मुश्किल मैच होगा। पर अभी थोड़ी सिचुएशन में जैसे लग रही, क्या पैट कमिंस इन अ फिक्स है? आई मीन क्या प्लानिंग करें, क्या सोच रहे, खुद बॉलिंग कर रहे हैं, बट लेट्स सी व्हाट डज ही हैव इन माइंड। और भट्टी साहब दिलचस्प होगा कि किस तरह वो मिलर को रोक सकेंगे, क्योंकि जैम्पा तो मार खा रहे हैं अभी फिलहाल। देखो फातिमा, अब 26 ओवर का 26 गेंदों का खेल रह गया, लिहाजा अब मिलर किलर के नाम से तो मशहूर हैं, लेकिन आज उनको वही अपनी क्लास दिखानी है। लेकिन मेरे ख्याल में ये जो बस है ना, ये अब साउथ अफ्रीका मिस कर गया है। देखें, इस साउथ अफ्रीका की वैसे तो बड़ी ज़बरदस्त वनडे टीम है, लेकिन इनके जो कैप्टन है बबूमा, वो ऊपर से जिस तरह बैलेंस टीम का ख़राब करते हैं, ना बैटिंग में बहुत ज़्यादा उनकी कोई कंट्रीब्यूशन है, कप्तानी भी एक ऑर्डिनरी किस्म के कप्तान हैं। इंग्लैंड के कप्तान होते थे माइक ब्रेडले, ये उस टाइप के कप्तान हैं, ना इनकी अपनी परफॉर्मेंस है। मेरे ख्याल में वो ऊपर से जब पहले ओवर में ओपनर आउट हो जाए, उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया ने इनको संभलने नहीं दिया। तो अब तो वो जो इंडिया और साउथ अफ्रीका का यहाँ ईडन गार्डन में मैच हुआ था, अब अगर वो सिचुएशन हो जाए कि 83 पे साउथ अफ्रीका की टीम आउट हुई थी, अगर उस तरह की कोई सिचुएशन बन जाए, बॉलर्स मैच को पलट दें, अदरवाइज मुझे लग रहा है कि मौसम बेहतर रहा तो ऑस्ट्रेलिया आज आसानी से फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। राइट, सो 189 ये इस वक्त स्कोर है साउथ अफ्रीका का। और भट्टी साहब जिस तरह कह रहे हैं सिको, तो बबूमा खुद जो कैप्टन है साउथ अफ्रीका के, वो कहते हैं मैं 100% फिट नहीं हूँ, एंड देन द क्वेश्चन अराइजेस दैट इफ यू आर फिट नहीं थे तो आप क्यों खेल रहे हैं। ये बहुत अजीब सी बात उन्होंने की थी, और डिफरेंट देखो मैंने जैसे कहा ना, अगर बाबर होता या डिकॉक होता या मैक्सवेल होता, इस किस्म के प्लेयरों को बंदा कहता है यार तुम इंजेक्शन लो, दवाइयाँ खाओ, पेन किलर लो, पट्टियाँ बांधो, स्ट्रैपिंग करो, ये चीज़ें सारी, हाँ ये सारी चीज़ें हम करते रहे। बड़े वसीम अकरम या वकार जो जब बॉल करते थे, उनको इंजरी होती थी, उनको स्ट्रैपिंग वगैरह करके पेन किलर्स दे के कहते थे जॉब बॉलिंग करो। मगर ये बेचारा इतना मतलब है, इस एवरेज क्रिकेटर, और उसके ऊपर उन्होंने इतना बड़ा फैसला कर लिया, वो फैसला भी गलत किया। मगर अभी जो बात हो रही थी ना, यहाँ पे दो मैच ऐसे भी हुए हैं कि जो कि 229 और 224 पे फंसे हैं। एक बांग्लादेश तो खैर हार गया था पाकिस्तान से, मगर नीदरलैंड 229 करके वो बांग्लादेश से जीता था। तो देयर इज अ चांसेस, देखें 200 रन अगर ये करते हैं तो दूसरे ने 200 रन करने हैं, ये है। उसने 200 रन करने हैं, 200 रन करने के लिए कम से कम 35 से 40 ओवर खेलेगा, तो यू हैव दोस 40 ओवर्स टू बोल देम आउट। तो देखते हैं कि साउथ अफ्रीका क्या करता है क्या नहीं करता। एंड यू नो ऑस्ट्रेलियन बैटर्स जैसे तरह याया भी कह रहे थे हैव नॉट बीन लाइक द बेस्ट इन दिस टूर्नामेंट, ठीक है, सो उनकी भी इंडिविजुअल ब्रिलियंस थी जो कह रहे हैं। सो ये पार्टनरशिप या मिलर जो है वो इस वक्त यू नो ही लव्स पेस, जैसे आपको पता है उनको पेस बहुत पसंद है। इस वक्त 194/7 है, स्टार्क आ गए हैं उनके पास, अब दो ओवर्स बाकी है, एंड देन हेजलवुड के पास भी। सो इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरह ये सिचुएशन जाती है। इंडिया ने 30 ओवर में 214 रन खेले, उनका एक खिलाड़ी आउट था पहले सेमीफाइनल में, इन्होंने जो है 30 ओवर में सिर्फ 111 किए, टू फार अवे मतलब जो इस तरह से इंडिया खेला। और रजाक आपसे पूछेंगे कि साउथ अफ्रीका की साउथ अफ्रीकन बॉलिंग से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आई मीन आपको पिच कैसी लग रही है बिहेवियर अब सेकंड टाइम अराउंड में, अब
मतलब ऑस्ट्रेलिया बैट करने को आएगी। नहीं, कल भी हमने देखा है कि सेकंड बैटिंग में बॉल अच्छा आ रहा था और उस तरह की कंडीशन नहीं नजर आई जैसे पहले मैचों में नजर आया था, जैसे इंडिया ने टीमों को 60 पे आउट किया, 90 पे 80 पे आउट किया साउथ अफ्रीका को। और अब ये है ना, ये सेमीफाइनल का प्रेशर डिफरेंट होता है और मानना पड़ेगा कि साउथ अफ्रीका के जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन, उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। अगर वो थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करते, 35-40 रन की पार्टनरशिप अगर से लगती ऊपर से, फिर 1 डाउन 2 डाउन 3 डाउन, तो ये तकरीबन 280-290 तक स्कोर जाता तो ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किल बात हो सकती थी। पर अभी तक जितने भी ओवर्स हुए हैं सारा कंट्रोल साउथ अफ्रीका के हाथ में है और मैं नहीं समझता कि 225 या 30 डिफेंड कर सकेगी साउथ अफ्रीका की टीम, क्योंकि ये प्रेशर जो होता है ना बॉलर पर जब कन्वर्ट होता है तो बॉलर आउट करने की कोशिश करता है तो फिर वहाँ पर रन देता है। जिस तरह की बैटिंग अटैक है इनकी, वार्नर हो गया, मार्श हो गए, तो ये तो जाते हैं, ये तो विकेट पे स्टे नहीं करते, ये तो बॉलर के आफ्टर बॉटल बॉलर होते हैं। उसके बाद मैक्सवेल है जो इनका ट्रम्प कार्ड है, तो डेफिनेटली इनको स्कोर 250 से ऊपर करना पड़ेगा तब जाके को मैच में। मगर सिचुएशन लग दे रही 191/8, महाराज भी आउट हो गया मिलर के साथ, मिलर नीड्स समवन के कोई उनके साथ रखे। बट हम लोग कहते हैं जब तक मैच खत्म नहीं होगा आपको कब नहीं पता चल सकता कौन होगा विनर। जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आएगी, कैन साउथ अफ्रीका काम देम डाउन और या वो जाने देंगे इनको आगे, ये हमें अब देखना पड़ेगा। एनीवे विल टेक अ क्विक ब्रेक और तो उसे मैच की बात करेंगे एंड पीसीबी में जो बहुत सारी बड़ी चेंजेस हुई हैं, विल टॉक अबाउट दैट, स्टे विद अस। मैच बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है क्योंकि अब मिलर हु इज लुकिंग वेरी वेरी डेंजरस, उन्हें अपनी सेंचुरी भी मुकाबल की, वो अब आउट हो गए। तो अब ये जो फाइनल पेयर है क्या ये अब खेल सकेगा, 15 बॉल्स रह गई हैं, कैन दे बैट इट आउट और नॉट, इस पे अब नजरें होगी। एक डिसेंट स्कोर बोर्ड पे आएगा बट यू नो हमें बहुत सारे क्रेडिट देना पड़ेगा मिलर को क्योंकि ही जस्ट डिड परफॉर्म सो वेल एक ऐसी सिचुएशन में। उन्हें 116 बॉल्स में से 101 रन बनाए, 8 बाउंड्रीज एंड 5 6। बिल्कुल, आप सबने मुझसे ये पूछा था कि जी इंडियंस की कामयाबी का राज, तो मैंने आपको बताया ना ओपनर्स अगर आज इनके डीकॉक वगैरह भी चल पड़ते हैं जिस तरह के वो हमेशा खेलते हैं, डीकॉक के अलावा देखे ना कि जूसन भी वो कुछ नहीं कर सका, मार्कम ने कुछ कर सका, क्लासन कुछ नहीं कर सका, तो अगर ये लड़के भी कंट्रीब्यूट कर देते और फिर मिलर ऐसे जाकर खेलता तो 300 रन हो गए थे आराम से, 300-325 रन। मगर ये कि ऊपर से टोटल कोलैप्स हुआ है और अभी हमें देख रहा था कि इनकी 4 विकटें जो हैं 5 बल्कि 4 24 रन पे 4 गिर गई, 5वीं उनकी 119 पे गिरी और 6 उनके 119 पे गिरी, 24 पे 4 आउट हो जाए तो ख़त्म हो जाता है खेल। हम जो मैं बार बार बॉलिंग की बात करता हूँ कि जो शाहीन अफरीदी का अगर शुरू के स्पेल में वो आउट करते हैं वो इम्पैक्ट बॉलिंग होती है, बाद में आउट करते हैं जब टेल एंडर को तो वो इम्पैक्ट बॉलिंग नहीं होती, वो फिर बस वो अपने फिगर्स अच्छे करने वाली बॉलिंग होती है। तो ऑस्ट्रेलियंस ने जो जैसे स्टार्क के 3/28 हैं और हेजलवुड के 2/12 ऑफ 8 ओवर्स, ये होती है इम्पैक्ट बॉलिंग। बेसिकली कैप्टन के जो मतलब कैप्टन ने टास्क दिया है टू यू नो गो देयर कंटेन रन्स, बेशक वो अभी शुरू में विकेट्स ले या नहीं ले, सो वो दे डिड देयर पार्ट, दे डिड देयर पार्ट, दे आउट करना जरूरी होता है, हां विकेटिंग करना जरूरी होता है, बस आल्सो नॉट टू गेट टू मेनी रन्स, हां नॉट टू बी टू एक्सपेंसिव, बट एनीवे नंबर 6 पे आके और यू सेंचुरी स्कोर करना साउथ अफ्रीका के लिए बिल्कुल हीरो होंगे रजाक अभी आज तो मिलर ड्रेसिंग रूम के, अगर साउथ अफ्रीका जीत जाता है मैच। देखो जीतने के लिए थोड़ा सा मैं समझता स्कोर कम है, 40-50 रन कम है, 250 से ऊपर होता स्कोर तो जैसे मैंने पहले कहा तो वो हो सकता है कि इस पिच पे तबरे शमसी भी खेल रहे हैं उनकी तरफ से और ये है कि पॉसिबिलिटी नजर आ रही थी, पर अब ये कि 210-220 का इतना प्रेशर नहीं होता जितना 250 का होता है और ओवरऑल मैं समझता अभी मिलर की अभी जरूरत थी, अभी ये 2 ओवर खेल जाते हो सकता है कि 20-25 रन ऐड कर दे तो वो हो सकता है थोड़ा मैच की सिचुएशन को चेंज कर सकता था, पर ये कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा साउथ अफ्रीका के लिए क्योंकि इतना टोटल कम हो तो फिर बैट्समैन का कॉन्फिडेंस और होता है और बॉलर मोस्टली तौर पर अंडर प्रेशर होते हैं। हाँ अनलेस अगर बॉलर की लक अच्छी हो, अगर उसको 2-3 ब्रेक थ्रू अर्ली ऑन कर दे नए बॉल से तो फिर जाके आप कुछ कह सकते हैं। महाराज शमसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं आज भट्टी साहब। बिल्कुल रोल प्ले कर सकता है लेकिन स्पिनर्स को भी फातिमा
एक अच्छा टोटल चाहिए होता है। तो मेरा ख्याल में ये तकरीबन वही सिचुएशन है जो पाकिस्तान बांग्लादेश वाले मैच में थी, वहाँ भी तकरीबन इतना ही बांग्लादेश ने स्कोर किया था और पाकिस्तान ने आसानी से वो चेस कर लिया था। तो स्पिनर्स रोल प्ले कर सकते हैं, लेकिन जो ओवरकास्ट कंडीशन हैं उसमें मेरा ख्याल अभी पेस बॉलर्स के लिए रबाडा शायद इस पिच के ऊपर कुछ शुरू के ओवर में ऐसा डेंट डाल दें ऑस्ट्रेलिया के लिए जो बाद में फिर नीचे महाराज और तबरेज शमसी जो हैं उसको कर सके। लेकिन वही हुआ जिस तरह पहले होता रहा है कि साउथ अफ्रीका की टीम बड़े मैच में वो एक्सपेक्टेशन नहीं दिखा सकी जितनी उनसे की जाती है और जितना उन्होंने इस टूर्नामेंट में एक टोन सेट की थी, लेकिन आज देखें बिल्कुल ही पहले फैसला गलत किया फिर उनकी ऊपर तले विकटें गिरती रहीं। तो मुझे तो लग रहा है कि आज साउथ अफ्रीका की टीम अगर अनहोनी हो गई तो मैच जीत सकती है, अदरवाइज ऑस्ट्रेलिया आसानी से ये टारगेट चेस कर। But by the way, that was a good six by Rabada, much needed. South Africa ko ek kick and run bahut important hai. And agar Rabada jo kar sakte hai agar South Africa ke liye, but I really enjoyed that six. So interesting hai, yeah. Abhi, oh, is that another one? I miss kar gaya. Oh, miss kar gaya. Yeah. So आपको क्या लग रहा है? Rabada बहुत मेहनत कर रहे हैं, सोच रहे हैं what to do right now. Situation बहुत tough है South Africa के लिए. Competitive score नहीं है on the board. I think biggest regret. मुझे तो लग रहा है कि ICC की वो टीम जो कि टिकटें बुक करती है उन्होंने मेरा ख्याल काम शुरू कर दिया है कि जनूबी अफ्रीका की फ़्लाइट जो है अहमदाबाद नहीं बल्कि जोहानसबर्ग की होगी कोलकाता से, और मुझे नहीं लग रहा कि जनूबी अफ्रीका की टीम यहां से कमबैक कर पाएगी। और एक चीज़ फातिमा जो मैं आपके साथ यहां शेयर करना चाहूँगा, 1987 में एलन बॉर्डर की क़यादत में इसी मैदान पर जहां आज मुकाबला कर रही है ऑस्ट्रेलिया की टीम जनूबी अफ्रीका के साथ सेकेंड सेमीफाइनल में ICC वर्ल्ड कप 2023 में, यहाँ इंग्लैंड को शिकस्त देकर वर्ल्ड चैम्पियन बनी थी तारीख में पहली मरतबा ऑस्ट्रेलिया की टीम। 1987 से लेकर ये वर्ल्ड कप है 2023 का, एक बात तय है एक बात वाजे है, वर्ल्ड कप अगर किसी टीम को जीतना है तो उसको ऑस्ट्रेलिया की हर्डल को ओवर करना है, उसको ऑस्ट्रेलिया को हराना है। और जनूबी अफ्रीका की टीम मुझे नहीं लगता कि कभी वर्ल्ड कप का ये फाइनल नहीं खेले हैं और आज भी तारीख जो है वो अपने आप को दोहराएगी और इनका सफर जो है वो लगता है सेमीफाइनल में खत्म हो जाएगा। क्रिकेट का खेल लास्ट बॉल तक कुछ आप कह नहीं सकते, बजायर अब तक जितना खेल हुआ है उसमें जनूबी अफ्रीका की टीम कहीं स्टैंड करती हुई दिखाई दे नहीं रही, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम यहाँ पर ऑल एंड्स अप, मैं कहूँगा कि वो इस वक्त मुझे लग रहे हैं कि नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में मुकाबला करने जा रहे हैं भारत के साथ ICC वर्ल्ड कप 2023 का। और अगर हालिया अरसे में हम देखें 2015 वर्ल्ड कप का फाइनल ये मेलबर्न में खेले, फिर 2007 वर्ल्ड कप का फाइनल जमैका में इन्होंने श्रीलंका को हराया, 2003 वर्ल्ड कप का फाइनल जोहानसबर्ग में खेले, 99 वर्ल्ड कप का फाइनल लॉर्ड्स में खेले, 96 का फाइनल कदाफी स्टेडियम लाहौर में खेले। तो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इनकी कारकर्दगी है, एक क्रिकेट का निज़ाम है, एक क्रिकेट का इनका तरीक़ाकार है और इतनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दुनिया की किसी क्रिकेट टीम की नहीं है जितनी ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम की है। तो यहाँ पर पैट कमिंस की क़यादत में ऑस्ट्रेलिया की टीम को मैं देख रहा हूँ कि वो ये सेमीफाइनल खेलकर अहमदाबाद जा रहे हैं। देखें, लाइक यू सेड, टू अर्ली टू से एनीथिंग, अभी यू नो जब तक मैच खत्म नहीं होगा, कहते हैं इट ओवर टिल इट्स ओवर, सो वी विल वेट फॉर दैट। बट राइट, सो रबाडा यू नो ही कैन हिट अ लॉन्ग बॉल, सो लास्ट ओवर है, क्या ही यू नो वो कर सकते हैं साउथ अफ्रीका के लिए या नहीं, बट अगेन स्कोर नॉट टू फैंसी। बट अब बट इस कुछ और खबरें, अगर हम पाकिस्तान क्रिकेट की बात करें वहाँ भी काफ़ी सिक्सेस तो लग रहे हैं, क्या अपडेट्स आई हैं? अभी हम लोग हमें ये अपडेट मिली है कि वहाब रियाज को क्लियरेंस मिल गई है, और कुछ ऐसी अपडेट PCB में चेंजेस के हवाले से? फातिमा, दरअसल PCB के जो चेयरमैन हैं ज़का अशरफ और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर, वो इंडिया चले गए तो ICC के इजलास के लिए। जी हाँ, पहले फाइनल देखेंगे संडे को, फिर मंडे को ICC की मीटिंग है, तो अब ये एक वीक बाद आएंगे। अब हो सकता है कि अगर अप्रूवल लेकर गए टेलीफोन के ऊपर या अप्रूवल दे दें वो, तो वो अनाउंस कर दें, लेकिन मेरा ख्याल में वहाब रियाज का तो है, लेकिन अभी देखें पूरी सिलेक्शन कमेटी अनाउंस होनी है, टीम सिलेक्ट होनी है, कोचेस बहुत सारे सिलेक्ट होने हैं, फिर मैनेजर का भी अभी तक फाइनल नहीं हुआ, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी PCB को करनी है। ये हफ्ता जो है ये इतना ज़्यादा, हाँ मेरा ख्याल में कल वीकेंड का आखिरी दिन है, हो सकता है कि कल कुछ डिसीजन आ जाए,
जाएं या फिर मंडे ट्यूसडे तक हमें इंतजार करना पड़ेगा? ठीक है, हम लोग मैच देखेंगे जब तक, फाइनल भी देखेंगे फिर उसके बाद देखते हैं। बट सिको इंटरेस्टिंग, पैट कमिंस अब डेथ में आ गए, ही वांट्स टू यू नो बॉल द लास्ट ओवर। कमिंस से थोड़े ज्यादा रन दिए कंपेयर टू द जो उनके जो दूसरे बॉलर्स हैं, जैसे हेजल। हां, हेजलवुड के 8 ओवर में दो विकेट हैं 12 रन दे के, उनसे नहीं कराया आखिरी ओवर उन्होंने। कमिंस उनका कप्तान खुद करते होंगे। अगर उन्होंने नए बॉल से 2-3 आउट कर दिया ऑस्ट्रेलिया के, तो फिर तो मैच बहुत मजेदार होगा। और आई थिंक कभी कभार जो लो स्कोरिंग होते हैं मैचेस, रजाक, वो थ्रिलिंग भी हो जाते हैं, तो हो सकता है दिस मैच टर्न्स इनटू अ थ्रिलर। अंतिम दूसरी टीमों के लिए आप कह सकते हैं, पर ऑस्ट्रेलिया के लिए नहीं। ये हमेशा अपनी गेम करते हैं, ये विकेट गिर भी जरूरी थी फिर भी अपनी गेम को ये रोकते नहीं है। और कभी भी हमने ये नहीं देखा कि अगर इनकी 2-3 विकेट गिरी हैं बिल्कुल ये पैनिक हो गए और अंडर प्रेशर होकर बॉलर रोकनी शुरू कर दी इन्होंने, तो ये अपनी गेम करते हैं। सॉरी रजाक, क्योंकि जब आप बोल रहे थे उसी वक्त रबाडा जो कोशिश कर रहे थे कि डू समथिंग फॉर साउथ अफ्रीका, अल्लाह साउथ अफ्रीका अपने आखिरी विकेट गंवा चुके हैं। सो 212 रन बना लिए हैं, 213 रन का टारगेट देने हैं ऑस्ट्रेलिया को। इस दूसरा सेमीफाइनल है, भारत ऑलरेडी फाइनल में, कौन सुघरी होगी, दूसरी टीम उनको ज्वाइन करेगी। मैच अभी खत्म नहीं हुआ, अभी ऑस्ट्रेलिया ने 213 रन चेस करने हैं। बट रबाडा कुछ करना चाहे थे अपनी टीम के लिए, बट कुछ नहीं है। बहुत बुरा स्टार्ट हुआ आज साउथ अफ्रीका, ओवरकास्ट कंडीशंस, साउथ अफ्रीकन कप्तान ने टॉस जीत कर पहले बैटिंग करने का फैसला किया, मगर पूरी टीम थ्रू आउट ट्रबल में ही रही और कोई कंस्ट्रक्ट नहीं कर सका इनिंग सवाई मिलर के, और मिलर का भी साथ किसी ने नहीं दिया। नंबर 6 पे आए, सेंचुरी स्कोर की, और एक लो स्कोरिंग मैच हमारे सामने है। अब ये देखना है कि साउथ अफ्रीकन टीम जो है वो किस तरह की बॉलिंग करती है इस पिच पे। ये पिच बड़ी इंटरेस्टिंग है, और सिको आपको क्या लगता है कि यू नो दे विल, इज इट फॉर पेसर्स एंड स्पिनर्स एट द सेम टाइम, किस तरह की पिच है, क्योंकि इट इज वेरी ट्रिकी। नहीं देखो, शुरू में तो स्विंग हुआ है, सीम हो रहा था बॉल, बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इसमें जो उनके जो बैटिंग स्कोर है उसमें जो फोर्थ हाईएस्ट स्कोरर है वो एक्स्ट्राज हैं 11। अब इससे अंदाज़ा लगाएं कि कितना बुरा कोलैप्स हुआ है उनका, और बल्कि चौथा नंबर है उनका, पांचवा नंबर है 11, उसके अलावा किसी ने भी जो है ना डबल फिगर पे कोई नहीं आया। तो देखिए अभी जो है मौसम वैसे ही रहा होगा, आई एम श्योर कि थोड़ा से बादल होंगे, तो जो नया बॉल है वो उसका खेल है सारा। अगर नए बॉल से वो आउट कर देते हैं तो फिर तो ठीक है, मगर ये कह रहे हैं कि जी अपना शमशी और वो महाराज रन थ्रू कर देंगे, वो मैं नहीं समझता कि वो कर सकेंगे। फास्ट बॉलर्स को इनिशियली आउट करना बहुत 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 जरूरी है, एंड यू नो ऑस्ट्रेलिया को इस पिच पे अभी बैट करना है, रिमेंबर दैट। सो अंडर द लाइट्स, ओवरकास्ट कंडीशंस, ह्यूमिडिटी भी मुझे ऐसे लग रही थी, बट लेट्स सी क्या होता है। यू नो दूसरी इनिंग्स भी जब शुरू होंगी, हमारी नजरें इस मैच पे होगी, बिकॉज ऑफ कोर्स वर्ल्ड कप 2023 का सेमीफाइनल खेला जा रहा है। हम लोग क्या लेते हैं क्विक ब्रेक, विल सी यू राइट आफ्टर, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। साउथ अफ्रीका ने 212 रन बना लिए, शुरू में हमें ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो लोग 212 रन भी बना जाएंगे, बट अब यू नो सब क्रेडिट देना पड़ेगा हमें रजाक और ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को भी, जिन्होंने टोन की सेट की, थोड़ा जाम्पा ने स्ट्रगल किया, अदरवाइज दे वर जस्ट आउटस्टैंडिंग विद द बॉल। हाँ जी डेफिनेटली, देखें हर पिच की एक कंडीशन अपनी होती है, और यहाँ पे लेग स्पिनर को मदद नहीं मिली, और ट्रेवल हेड ये नॉन रेगुलर बॉलर है, उन्होंने थोड़ा सा फ्लैटेड बॉल दिया, इवन के मैक्सवेल को भी इतना टर्न नहीं मिला जितना उनको मिला। तो ये हर पिच का एक अपना एक फील होती है, और जिस तरह मिचेल स्टार्क ने बॉलिंग की, हेजलवुड ने बॉलिंग की, तो मैं समझ इन दोनों ने डैमेज की है साउथ अफ्रीका की टीम को। अदरवाइज जिस तरह की साउथ अफ्रीका टीम है, अगर डिकॉक अगर खड़े रहते तो ये बड़ा अच्छा टोटल होता, पर बात फिर वही आ जाती है कि आप साउथ अफ्रीका की टीम जो है सेमीफाइनल का प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते, और इन्होंने साबित कर दिया है कि जब ये 92 से लेकर अभी तक जहाँ पे थे वहीं के वहीं हैं। ग्राउंड के मैचेस हो या सीरीज हो, तो ये इनका होम सीरीज हो या अवे हो, तो उसमें इनकी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट होती है, और वर्ल्ड कप के मैचों में सेमीफाइनल में स्पेशली ये ज़्यादा अंडर प्रेशर खेलते हैं। बट इस 24-4 इन अ सेमीफाइनल, आई मीन साउथ अफ्रीका के लिए बड़ी कोई अजीब सी जर्नी रही, शुरू में इतने प्रॉमिसिंग, मतलब हम तो कह रहे थे कि लोग फाइनल जीत जाएंगे, फिर उनका वापस एक डिप आया, एंड देन आज वापस
आई गेस वो चोकर्स का टैग नहीं हट पाएगा उनसे कभी भी। हालांकि फातिमा, जो वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका की वनडे सीरीज हुई वो साउथ अफ्रीका ने जीती, होम ग्राउंड पे जीती, लेकिन आज वाकई चोकर्स का जो टैग था लग ऐसे रहा कि अभी तक उनसे हट नहीं सका। बिल्कुल रजाक सही कह रहे हैं कि 92 से अब 2023 में दाखिल हो गए तो 213 सेमीफाइनल जैसे बड़े मैच के लिए एक अच्छा स्कोर नहीं। अब यहाँ पर कोई अगर बॉलर कुछ करिश्मा दिखा दे, अदरवाइज ऑस्ट्रेलिया की टीम बड़े मैचेस में तो उनका बड़ा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, वो बड़े मैचेस में फिर पीछे पलट के देखते नहीं है। बट यू नो यस अगेन आई थिंक अप टू द बॉलर्स, आई मीन हमने मार्करम को भी नहीं भूलना चाहिए, वो भी आके बोल कर सकते हैं। फिर फ्रंट लाइन स्पिनर्स हैं इनके पास साउथ अफ्रीका पास। आई डोंट नो, देयर इज अ बिलीव, मैं थोड़ा सा यकीन कर रही हूँ कि शायद ऑस्ट्रेलिया के लिए सिचुएशन यू नो ट्रिकी हो जाए। देखो ये आखिरी इनके लिए 3 घंटे होंगे, 3.5 घंटे, बल्कि 3 घंटे में मैच ख़त्म हो जाएगा, तो 3.5 घंटे तक की बात ही नहीं होगी। ड्रेसिंग रूम के अंदर जो मोटिवेशनल स्पीच होगी कप्तान की या मैनेजर की या कोच की, हूएवर इज़ इन चार्ज, वो यही होनी चाहिए कि भाई ये आखिरी 3 घंटे हैं आपके वर्ल्ड कप के कैंपेन के, बहुत ज़बरदस्त खेले, सिर्फ 2 मैच हारे थे, 9 में से 7 मैच जीते, क्या परफॉर्मेंस दी थी इन्होंने, जाके कुछ जलवा दिखा दो। अगर वाकई जलवा जल गया तो ठीक है, वरना आई डाउट के ये एंड व्हाट्स अ जलवा, जलवा यही है कि इनिशियल ओवर्स नए बॉल के ऊपर जो दोनों नए बॉलर बॉलर करेंगे, चले एक एक आउट कर देते चले, वही गेम सेट करेगा। 212 आप लोग सब क्या सोच रहे हैं, इज इट इनफ और कैन ऑस्ट्रेलिया बी इन ट्रबल? ये वर्ल्ड कप 2023 का सेमीफाइनल है, इंडिया इज ऑलरेडी इन द फाइनल। आईज ऑन द मैच ऑन जियो न्यूज पर आपको लम्बा अपडेट्स मिलेंगे। माई एनालिस्ट का बहुत शुक्रिया, विल सी यू सून, अल्लाह हाफिज़।